हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव पीसीएस। स्वागत है विद्यार्थियों आप सभी का एकलव पीसीएस में। और आज हम चर्चा करेंगे 13 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव पीसीएस, वहां ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री जी ने ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपये की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह के निर्माण की योजना की घोषणा की है ग्रेट निकोबार में? ऑप्शन 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए या 35,000 करोड़ रुपए। तो ग्रेट निकोबार द्वीप में जो पोतांतरण बंदरगाह बनेगा इसको बनाने में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ग्रेट निकोबार द्वीप में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह के निर्माण की योजना की घोषणा की है। आने वाले 4-5 वर्षों में इसके पहले चरण को पूरा कर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। इनमें से किस राज्य सरकार ने अगले सत्र में खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? ये अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएंगे, जैसे आपने सुना होगा NCERT होता है, एक शिक्षा बोर्ड है ना, CBSE होता है, उसी तरीके से ये भी अपना एक खुद का बोर्ड बनाने जा रहे हैं। कौन है वो? ऑप्शन गुजरात सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने घोषणा की है कि अगले सत्र में दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड कार्य करने लगेगा। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर कार्य करेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश सरकार ने किस वर्ष के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो स्मारक बनेगा ये शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनेगा, और बना कौन रहा है? तो बांग्लादेश सरकार, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारतीय जो हमारे सैनिक शहीद हो गए उनकी याद में बन रहा है, लेकिन बन बांग्लादेश में रहा है। तो बांग्लादेश को लेकर अभी देखा जाए तो हमने केवल एक ही बड़ा युद्ध किया है, और वो युद्ध था 1971 का, जब हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी पाकिस्तान से। शायद आपको पता होगा कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और तब इसे पूर्वी पाकिस्तान कहकर संबोधित किया जाता था, और तब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और उन्होंने भी इसमें पर्याप्त सहयोग दिया, और उनके सहयोग के कारण जो है 1971 में, दिसंबर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के रूप में एक अलग राष्ट्र बना। तो उस युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, क्योंकि इंडियन आर्मी ने पूरा ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी करके, तब जा करके बांग्लादेश आज़ाद हो पाया। तो कुछ भारतीय सैनिक थे वो शहीद हो गए इस युद्ध में, तो उन्हीं की याद में यहाँ पर क्या बनेगा? एक स्मारक बनेगा बांग्लादेश में, ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश सरकार ने वर्ष 1971 के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। इस स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50वीं वर्षगांठ के साथ पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। 12 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला शक्ति दिवस? तो 12 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी वो थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। थीम थी इसकी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सही लिखा आ रहा होगा, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये थीम थी 12 अगस्त को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। महत्वपूर्ण है, पेपर में थीम भी पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने मानव और हाथी के बीच टकराव को रोकने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? यानी इंसानों और हाथियों के बीच टकराव ना हो, क्योंकि इंसानों के घर जो हैं अब जंगल की सीमा तक आ गए हैं, तो इसको रोकने के लिए कि कैसे भी करके इंसान और हाथियों में टकराव ना हो, उसके लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है, और उसके लिए जो पोर्टल बनाया गया है उसका नाम आपसे पूछा है। पोर्टल का नाम, ऑप्शन है आपके पास सुरक्षा, गजराज, मानगज या इनमें से कोई नहीं।
और सही जवाब है इसका विद्यार्थी सुरक्षा, ध्यान रखना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हानि दिवस की पूर्व संध्या पर एक नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में मानव पशु टकराव को समाप्त करने के लिए ठोस और व्यवहारिक और किफ़ायती समाधान हेतु एक पोर्टल का बीटा संस्करण भी लॉन्च किया, और उसी पोर्टल का नाम है विद्यार्थियों सुरक्षा। ये पोर्टल जो है इस दिशा में काम करेगा कि कैसे भी करके इंसानों और हाथियों में जो टकराव हो रहा है वो कम हो। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में राहत इंदौरी जी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो मैं समझता हूँ इसका जवाब तो सबको पता है, ये कौन थे? ये थे प्रसिद्ध शायर और गीतकार, इनका हाल ही में निधन हो गया। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से 11 अगस्त को निधन हो गया। उनकी उम्र 70 साल थी। वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे, जिसके उपचार के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 अगस्त की देर रात को अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला प्रश्न। माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी। तो ऑप्शन है फिलीपींस, हवाई अमेरिका, जापान या इंडोनेशिया। और अगर हम देखें माउंट सिनाबुक कहाँ स्थित है, तो सही जवाब है इसका विद्यार्थियों इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया में आप देख सकते हो, इंडोनेशिया में कई साल से सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सिनाबुक फटने से इतनी राख और धुआं उठा के मानो कि कई किलोमीटर तक फैल गया। इसकी वजह से वहां के विमानों को निकलने से मना कर दिया गया। विस्फोट को देखते हुए तीसरे स्तर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि माउंट सिनाबुक कहां स्थित है, इस तरीके का सवाल पेपर आपसे पूछ लेगा। तो ध्यान रखना, इंडोनेशिया में स्थित है माउंट सिनाबुक और हाल ही में इसमें विस्फोट हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया गया है, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है भारतीय सीमा की निगरानी सुनिश्चित करना, प्रत्येक राज्य में चीता संरक्षण केंद्र स्थापित करना, मॉरिशस में समुद्री सतह से तेल साफ करना, या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है इसका विद्यार्थियों भारतीय सीमा की निगरानी सुरक्षित करना। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट चीता का संबंध है भारतीय सीमा की निगरानी सुनिश्चित करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को शुरू करने का फैसला लिया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और तीनों सेनाओं ने इस परियोजना को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया है। तीनों सेनाएं यहां पर साथ मिलकर के काम करेंगी, ध्यान रखिएगा ऑपरेशन चीता। अच्छा, यहां पर एक ऑप्शन है मॉरिशस में समुद्री सतह से तेल साफ करना। मैं आपको बता दूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि मॉरिशस में अभी क्या हुआ है कि मॉरिशस के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल फैल गया है, एक टैंकर की वजह से वो लीक हो गया वहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत सारा तेल फैल गया। इसको देखते हुए मॉरिशस ने अपने यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दी, आपातकाल घोषित कर दिया, तो वो है मॉरिशस। कारण क्या है कि कोस्टल एरियाज में बड़े पैमाने पर तेल का रिसाव, तो उसको देखते हुए उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के मेथेरान क्षेत्र में BNHS द्वारा तितलियों की 77 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये एग्जाम के लिए। तितलियों की 77 नई प्रजातियां, ऑप्शन गुजरात, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। और सही जवाब है विद्यार्थियों इसका महाराष्ट्र। मुंबई के निकट खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र माथेरान में तितलियों की 77 नई प्रजातियों का पता लगाया गया है। इसका पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने पिछले 8 वर्षों तक अध्ययन किया, 2011 से लेकर 2019 तक अध्ययन किया, तब जाकर के ये 77 नई प्रजातियां लोगों के सामने आ सकी हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर्यावरण वाले सेगमेंट में आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल। चलिए आज के लिए अंतिम प्रश्न। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? आपको पता होगा लेबनान की राजधानी जो है बेरूत, वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के भंडार रखे हुए थे बंदरगाह पर, जिसमें विस्फोट हो गया, जिसमें तकरीबन 100 लोग जो है, मतलब 400 लोग जो है मारे गए और तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग जो घायल हो गए, ये कुछ आंकड़ा है। तो इसके बाद जो है वहाँ पर जाँच शुरू हुई और अब यहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम आपसे पूछना चाहता है। ऑप्शन है हसन दियाब, नाबिद बेरी,
मिचेल आउन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों हसन दियाब। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने बेरूत में हुए धमाके की वजह से अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री हसन दियाब ने 10 अगस्त की शाम राष्ट्रीय टेलीविज़न पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में अपने खुद के इस्तीफे की घोषणा की। तो इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए लेबनान के प्रधानमंत्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए थे विद्यार्थियों 13 अगस्त से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली ज्योग्राफी क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद जय भारत।